हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन छत्तीसगढ़। तो जैसा आप मेरे पीछे देख रहे हैं, आज हम आए हैं बूढ़ा तालाब। वैसे तो इसका उद्घाटन हो चुका है 1-1.5 साल, बट ड्यू टू कोविड हम लोग यहाँ आ नहीं रहे थे, और फिर चैनल भी अभी नया है, तो हम लोग अभी आए हैं यहाँ घूमने और यहाँ रिकॉर्ड करने के लिए। तो इस चैनल पर आप बने रहें और देखें बूढ़ा तालाब। अभी यहाँ पर कोविड टेस्ट हो रहा है, तो जिसको भी आना है वो बी प्रिपेयर रहें कि कोविड टेस्ट तो कराना ही पड़ेगा। बिना कोविड टेस्ट कराए आप अंदर नहीं आ पाएंगे। तो बने रहें इस वीडियो के साथ, और हम आपको दिखाते हैं कि अभी नया बूढ़ा तालाब कैसा दिखता है और क्या क्या चीज़ें चेंज हुई है पुराने विवेकानंद सरोवर से और नए बूढ़ा तालाब में। फाइनली हम पहुँच रहे हैं बूढ़ा तालाब, और आज हम जा रहे हैं यहाँ घूमू करने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है। चलिए चलते हैं, अंदर का नज़ारा देखेंगे कैसा लगता है। बहुत ही अच्छा बन गया है ये चौपाटी है। ओ गॉड, यहाँ तो गुपचुप भी है। मजा आया। ये बूढ़ा तालाब के अंदर का एरिया है। ये जो है ये पार्किंग है। एक्चुअली भीड़ बहुत कम है, क्योंकि अभी जो यहाँ पे है वो एंट्री के समय कोविड टेस्ट को कंपलसरी कर दिया है, तो बिना कोविड टेस्ट के यहाँ पे एंट्री नहीं है। इसलिए अभी भीड़ कम है, नो डाउट। आधे लोग तो कोविड टेस्ट का नाम सुन के भाग जा रहे हैं कि कहीं गलती से निकल गया तो परेशानी मत हो जाए कह के। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो फ्रंट गेट है उसके सामने ही कोविड टेस्ट चल रहा है। तो अगर जिसको कोविड टेस्ट नहीं कराना है वो फिलहाल अभी तो ना आए। ये कंपल्शन है अभी बूढ़ा तालाब में आने के लिए। समीर श्रीवास्तव, एज 29। ये सामने में जो है काका के फोटो है, हमारे सीएम मिस्टर भूपेश बघेल सर। इनका लास्ट वीडियो आपने मेरे लास्ट ब्लॉग में देख चुका है, इनका बड़ा सा फोटो है यहाँ पे लगा हुआ है। पार्किंग बहुत बड़ा है, नो डाउट। पार्किंग का व्यवस्था अच्छा है यहाँ। इस साइड जो है वो बच्चों का प्लेइंग एरिया है, बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा प्लेइंग एरिया है। लेकिन बच्चे अभी आपको इसलिए नहीं दिख रहे होंगे क्योंकि जब से यहाँ कोरोना टेस्ट चालू हुआ है तो लोग यहाँ आना कम कर दिए हैं। एक्चुअली ये रीज़न है। म्यूजिकल फाउंटेन सबसे अच्छा ये कि अभी रायपुर के बीचों बीच आ चुका है। पहले नए रायपुर में था, अभी भी है, वहाँ का भी एक वीडियो बनाएंगे। बट ये जो है म्यूजिकल फाउंटेन अब यहाँ पे भी है, बहुत शानदार है। इधर लास्ट में है जो वो बच्चों का सेक्शन है, एंड देन लेफ्ट साइड जो है सामने जो वो दिख रहे हैं सबसे लास्ट में जो दिख रहे हैं वो वहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी का मूर्ति है। वही पुराना बूढ़ा तालाब उधर से रास्ता था, बाद में इधर का रेनोवेशन करने के बाद इस साइड शिफ्ट किया गया बहुत सी चीज़ों को। पेड़ों को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया है, नो डाउट, बहुत अच्छा लग रहा है। और उस पेड़ के साथ जो म्यूजिकल फाउंटेन जो मैच करता है वो बहुत ही शानदार है। लाइटिंग की अगर बात किया जाए तो लाइटिंग यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो, यानी बहुत पैसे इस पे खर्चे हुए हैं और वर्थ ही पैसे खर्चे हुए हैं। क्योंकि पहले अगर आप बूढ़ा तालाब का हालत देखते तो इतना गंदा था वहाँ पे से जिसका कोई हद नहीं था, बट उस चीज़ को मेंटेन किया गया है यहाँ पे बहुत अच्छे से डेवलप। ये कुछ विकास हुआ है यहाँ पे, नो डाउट। जो पुराने जो जगह थे वहाँ पे को बनाए हैं, वहाँ पे को रेनोवेट किया गया है,
कुछ अच्छे काम, कुछ नहीं बहुत अच्छे काम हुए हैं रायपुर में, जो मुझे तो पर्सनली पसंद है, पता नहीं बाकी लोगों को पसंद होता है कि नहीं। बैचलर्स को पसंद रहेंगे क्योंकि उनके लिए बहुत अच्छा जगह है घूमने के लिए। समझ रहे हो आप? नो डाउट बैचलर्स की लाइफ ज़्यादा अच्छी है अभी रायपुर में अगर देखा जाए तो, घूमने फिरने के हिसाब से। इनको देखिए, हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ये देखिए, अगर लाइटिंग का काम हम यहाँ देखें तो लाइटिंग नो डाउट बहुत अच्छा हुआ है। कुछ जगह थोड़ा सा ब्लिंक कर रहा है क्योंकि डेढ़ साल भर हो गया यहाँ को बने हुए, बट नो डाउट है तो बहुत ही अच्छा बना हुआ। आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, बहुत कुछ। बताइए। वोटिंग हो रहा, चलो वहाँ चलते हैं पहले। अच्छा, वोटिंग करने जाएंगे। वो वोटिंग करना है कि बोटिंग करना है? आर यू कॉमेडी मी? वोटिंग करना। अच्छा, मेरे को लगा वोटिंग करना है। तो वोटिंग के लिए फिर आपको अभी यूपी जाना पड़ जाएगा। समझ रहे हो आप कि वहाँ वोटिंग करना है? नहीं, यहाँ भी होगा। अच्छा, यहाँ भी करना है। ओके। पेड़ बहुत अच्छे लग रहे हैं, नोड और फोटो खिंचाने के लिए बहुत अच्छे शानदार स्पॉट है यहाँ पे। मैं कवर करूँगा उसको भी आगे। ये जो एरिया है, ये जो है, ये बोटिंग के लिए है। और यहाँ से एक पैदल ब्रिज बना हुआ है जो इस साइड से, जो पुराना जो बूढ़ा तालाब का, जिधर स्वामी विवेकानंद जी का मूर्ति है, उस साइड को मिलाने के लिए है ये ब्रिज। और ये जो एरिया है ये लास्ट है अभी। इधर का और आगे काम चल रहा है, जो आगे जाके पुलिस लाइन चौक के पास मिलेगा, तो उस पर अभी काम चल रहा है। अभी वो काम जब पूरा होगा तो नो डाउट और बहुत बड़ा हो जाएगा। और फाइनली कुछ इस टाइप का लिखा हुआ है, बूढ़ा तालाब स्वामी विवेकानंद सरोवर। और ये है जो वो पैदल पुल है जो उस साइड के पुराने वाले गार्डन साइड जाता है। और यहाँ से जो है ये बोटिंग शुरू है। अलग अलग टाइप के बोटिंग है, दो लोग वाले, चार वाले, वो क्रूज है। लाइफ जैकेट कंपल्शन है यहाँ पे। और फास्ट बोट है, स्लो बोट है, अलग अलग कैटेगरी के, अलग अलग टाइप के बोट है, अलग अलग सबका रेट है। बहुत अच्छा है, बहुत लंबा राउंड रहता है एक, वहाँ से जाके पूरा लास्ट होते हुए उस साइड के लास्ट से घुमा के वो वापस यहाँ पे लाता है। अभी चल तो नहीं रहा है क्योंकि बहुत कम लोग हैं, तो जब होंगे उतने पर्सन तब इस बोट को चालू किया जाएगा। अभी तब तक वेट कर रहे हैं सबका। और ये है बोटिंग टिकट का, जहाँ से टिकट लिया जाता है, टिकट काउंटर है एक्चुअली। और ये कुछ संक्षिप्त इतिहास है बूढ़ा तालाब का, जो सन 1402 में इसे राजा ब्रह्मदेव ने बनाया था। और आप इसे पूरा पढ़ सकते हैं कि क्या क्या ख्याति उपलब्ध है यहाँ। और ये है बोटिंग टिकट काउंटर। और ये है प्राइस, हाई स्पीड बोट का 2 पर्सन का 150 रुपये पर पर्सन का है। और 12 सीटर बोट का 100 रुपये है, स्पीड बोट का 150 रुपये है 4 सीटर वाले का पर पर्सन। और स्कूटर स्पीड जो 2 पर्सन वाला है उसका भी 150 रुपये ही है, लेकिन इसमें एक चलाने वाला बैठेगा और एक ही पर्सन बैठेंगे। जस्ट सामने में है बोटिंग और ये आमने सामने ही है। अब आगे उस साइड जाके हम म्यूजिकल फाउंटेन का वीडियो बनाएंगे, बट हो सकता है म्यूजिकल फाउंटेन में थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में डाल दूँ, क्योंकि हो सकता है गाने पे वहाँ पे कॉपीराइट आ जाता है तो वो बहुत परेशानी हो जाता है, इसलिए वहाँ का जो है वो फास्ट फॉरवर्ड में डाला जाएगा ताकि किसी प्रकार का कॉपीराइट ना आ पाए। तो चलते हैं आगे फिर। तो क्या कहना चाहेंगे आप, बताइए क्या कहना चाहेंगे बूढ़ा तालाब के बारे में? सबसे पहले तो अपना एक्सपीरियंस बताइए कि कोविड टेस्ट करा के कैसा लगा डेढ़ साल बाद। हाँ हाँ।
कराया था वो बहुत ही गंदा लगता है कोविड टेस्ट कराना, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है कराने में, वो एकदम नाक में चलते हैं, बहुत गंदा लग रहा था, बट क्या करें, जरूर अच्छी बात है फ्री में हो गया, पता चल गया कि हमको कोरोना नहीं है। एक्चुअली जो आप लोग देख पा रहे हैं भीड़ इसी रीज़न से नहीं है, क्योंकि मेरे सामने की बात है कम से कम 40 से 50 गाड़ी वाले सिर्फ इसलिए वापस चल दिया क्योंकि कोविड टेस्ट हो रहा था। तो अभी भी बहुत लोग कोविड टेस्ट नहीं कराना चाहते, पता नहीं, बहुत लोग वैक्सीन भी नहीं लगवाना चाहते, पता नहीं उनको कैसा समझाया जाएगा, कौन समझाएगा, ना गवर्नमेंट समझा पा रही ना कोई समझा पा रहे, बहुत लोग ऐसे हैं जो वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते, बट मैं तो हमेशा सभी को सलाह देता हूँ कि वैक्सीन लगवाएं, मेरा भी दोनों डोज वैक्सीन कम्प्लीट है, ज़रूरी है। लोग आज नहीं समझ रहे हैं, बहुत से क्वेश्चन उठाते हैं, बट सेम यही सिचुएशन तब था जब पोलियो का वैक्सीन आया था, पर बाद में आज के डेट में क्या लोग अपने घर के बच्चों को खुद पकड़ के लेके जाते हैं वैक्सीन लगवाने के लिए, सेम सिचुएशन आगे भी होगा जब लोग खोजेंगे कि कहाँ वैक्सीन लग रहा है, बट अभी उनको समझाना बहुत मुश्किल हो पा रहा है। Oh my God! Wow! ये जो है ये पूरा ओपन जिम है एक्चुअली, इस साइड से बहुत ही अच्छा व्यवस्था है यहाँ पे वैसे ओपन जिम का, तो जिसको फ्री का ओपन जिम करना है वो सुबह शाम आ सकते हैं यहाँ पे। ये जब बना था तभी मेंटेन था, उसके बाद से तो मेरे को नहीं लगता कि किसी ने मेंटेन किया है इसको, बस ये ऐसी पढ़ाई हुआ। आगे जो है उधर पूरा चिल्ड्रन प्ले एरिया है, तो चलते हैं उधर देखते हैं, भीड़ तो बहुत कम है। ये कुछ सिटिंग एरिया है जहाँ पे आप बैठ सकते हैं, बच्चे लोगों के प्ले ग्राउंड के जस्ट बगल में था, और बस इतना ही है बूढ़ा तालाब में। और इसके साथ यहाँ पे एंड करते हैं इस वीडियो को। पहले यहाँ पे वाटर फाउंटेन था जिसके बीच से लोग जाते थे, बट वो अभी बंद है ड्यू टू कोविड। और बस इसी के साथ फिर आज की वीडियो को हम एंड करते हैं यहाँ पे। तो इसी प्रकार के अच्छे कंटेंट के लिए और इसी प्रकार के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें, और इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।